नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। और आज हम जो ड्रग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं वो है फ्यूरोसेमाइड या लैसिक्स। ये जो ड्रग है ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड ड्रग है जो हम आईसीयू में भी यूज़ करते हैं, ओपीडी में भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो इसे पहले ही लाइक कर दीजिए और ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूरोसेमाइड या लैसिक्स ये जो ड्रग है ये आता है डायूरेटिक ग्रुप में। डायूरेटिक यानी ऐसे जो ड्रग्स है जिनसे यूरिन आउटपुट बढ़ता है उन्हें हम डायूरेटिक कहते हैं। तो ये जो फ्यूरोसेमाइड है ये एक डायूरेटिक ड्रग है। फ्यूरोसेमाइड जो है इसे लूप या हाई सीलिंग डायूरेटिक भी कहते हैं। तो इसे ऐसा क्यों कहते हैं ये हम आगे जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो ड्रग है ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल रहता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। इसकी जो टैबलेट है ये 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम ऐसे अलग अलग टाइप में मिलती है। और जो इंजेक्शन है वो 2 ml या फिर 4 ml की एम्प्यूल में हमें मिलता है। और वो जो ड्रग है उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है 10 मिलीग्राम पर ml, मतलब 1 ml जो इंजेक्शन रहता है उसमें 10 मिलीग्राम फ्यूरोसेमाइड रहता है। तो दोस्तों, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें ये जो नेफ्रॉन है इसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर निकाला है। ये जो है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, फिर ये हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये ऐसा जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले, और इसका जो ये नीचे आने वाला जो लिम्ब है इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और फिर ये ऊपर जाने वाला जो है इसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और आखिरी में आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो दोस्तों, ये जो फ्यूरोसेमाइड है ये एक्ट करता है थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। ये जो असेंडिंग लिम्ब का जो थिक पार्ट है यहाँ पे ये एक्ट करता है, मतलब ये जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे इसका एक्शन होता है। इसीलिए ये जो ड्रग है इसे या इसके टाइप के जो दूसरे भी ड्रग्स हैं उनको लूप डायूरेटिक्स कहते हैं, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट होता है। तो दोस्तों, अब ये एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? तो ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब जो है उसमें जो सेल्स है ट्यूब्यूल्स के उसमें एक रिसेप्टर रहता है, उसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। मतलब ये जो रिसेप्टर है इसमें क्या होता है कि एक सोडियम का आयन अंदर जाता है और एक पोटेशियम का आयन अंदर जाता है, और उसके साथ में ही दो क्लोराइड के आयन अंदर जाते हैं। ये जो रिसेप्टर है इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। अभी ये जो ड्रग है ये क्या करता है, ये जो रिसेप्टर है इसे ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड और जो पोटेशियम है ये सेल के अंदर नहीं जाते, और ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसके ल्यूमेन में ही रह जाते हैं। और दोस्तों, जब भी सोडियम जो है उसकी एंट्री क्योंकि सेल के अंदर ब्लॉक हो गई है, तो साथ में जो वाटर है जो सोडियम के साथ जाता है वो भी उसके साथ एब्सॉर्ब नहीं होता, और फिर ये जो वाटर है ये अल्टीमेटली ट्यूब्यूल्स में रह के आगे वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये जो रिसेप्टर है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ये रिसेप्टर ब्लॉक करने की जो एक्शन है ये ड्रग की ये मेन एक्शन है। तो दोस्तों, अभी ये जो ड्रग है इसे हाई सीलिंग डायूरेटिक क्यों कहते हैं? तो जब भी हम सोडियम का एब्सॉर्प्शन देखते हैं तो उसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे अराउंड 60-70% ऑफ सोडियम एब्सॉर्ब होता है, और ये जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे अराउंड 20-25% सोडियम एब्सॉर्ब होता है, 8-10% एब्सॉर्ब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे अराउंड 2-3% सोडियम एब्सॉर्ब होता है।
तो दोस्तों जो अलग अलग टाइप के जो डायुरेटिक्स है उनकी जो साइट ऑफ एक्शन है वो इस प्रकार अलग अलग है। कुछ जो ड्रग्स है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट होते हैं, जो लूप डायुरेटिक्स है या हाई सीलिंग डायुरेटिक्स है वो थिक असेंडिंग लिम्ब पे एक्ट होते हैं, कुछ ड्रग्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट होते हैं और कुछ ड्रग कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट होते हैं। लेकिन जो ड्रग्स स्पेसिफिकली थिक असेंडिंग लिम्ब में एक्ट होते हैं उनका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है। उन वहाँ से जो सोडियम एब्सॉर्प्शन जो ब्लॉक होता है उसके कारण बहुत ज़्यादा वाटर का जो है एक्सक्रीशन होता है, और ये जो लूप डायुरेटिक्स है ये बहुत ज़्यादा मतलब 10 लीटर तक ये ड्रग देने के बाद यूरिन आउटपुट आ सकता है, क्योंकि इनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये ड्रग इफेक्टिव है, इसीलिए फिर इन्हें हाई सीलिंग डायुरेटिक कहते हैं। तो दोस्तों अभी आपको पता चल हो गया होगा कि ये जो फिरोसेमाइड है इसे लूप डायुरेटिक क्यों कहते हैं या फिर हाई सीलिंग डायुरेटिक भी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ये ड्रग अगर हमने आईवी दिया तो इसकी एक्शन आती है 2 से 5 मिनट में। ये ड्रग हमने इंट्रामस्कुलर दिया तो इसकी एक्शन आती है 10 से 20 मिनट में, और ये ड्रग अगर हमने ओरल दिया तो इसकी एक्शन आती है 30 से 40 मिनट में। तो दोस्तों हम ये जो ड्रग है ये आइदर आईवी या ओरल ही यूज़ करते हैं, तो आप ये आईएम अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है अराउंड 3 to 6 आवर्स। तो दोस्तों अभी एक चीज़ ये ड्रग हम जब देते हैं तो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो डोजिंग टाइम है हमें रखना है 8 AM और 2 PM, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर को 2 से 3 बजे तक हमें इसका आखिरी डोज दे देना चाहिए, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है अराउंड 3 to 6 आवर्स, मतलब 2 बजे से हमने 6 घंटे कैलकुलेट किए तो होते हैं 8 PM, मतलब जो भी उसको डायुरेसिस होना है या जो भी उसको पेशाब लगनी है वो रात को 8 बजे तक उसका हो जाएगा, मतलब रात में उसे नींद में से बार बार उठ के पेशाब जाने का काम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी पेशेंट को फोलिस कैथेटर नहीं है ऐसे पेशेंट्स में हमें जब भी हम ड्रग का टाइमिंग डिसाइड करते हैं तो ये ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ड्रग है इसका डोज क्या है, तो जब भी हम ये ड्रग ओरल देते हैं तो हम ये ड्रग का जो डोज है वो देते हैं 20 to 80 मिलीग्राम आइदर सिंगल और इन डिवाइडेड डोजेस, मतलब 20 से 80 मिलीग्राम अब दिन में दे सकते हैं, हम एक सिंगल डोज में भी दे सकते हैं या डिवाइडेड डोजेस में भी दे सकते हैं। हमें इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो मैक्सिमम अलाउड डोज है ओरली वो है अराउंड 600 मिलीग्राम पर डे, इससे ज़्यादा हम ये ड्रग ओरली नहीं दे सकते, और ख़ासकर जब हम 80 मिलीग्राम क्रॉस करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट्स है ये वहाँ से दिखना शुरू हो जाते हैं। ये ड्रग जब हम आईवी देते हैं तो इसका डोज है 20 to 40 मिलीग्राम, ये भी हम आइदर सिंगल या फिर डिवाइडेड डोजेस में दे सकते हैं, और जब हम आईवी देते हैं तो मैक्सिमम डोज जो है वो है 200 मिलीग्राम पर डे, इससे आगे हमें इसे क्रॉस नहीं करना है। ये जो ड्रग है हम इन्फ्यूजन में भी लगा सकते हैं, तो इसका जो इन्फ्यूजन का जो डोज है वो है 0.05 to 0.4 मिलीग्राम पर kg पर आवर, ये जो रेट है इससे हम ये ड्रग दे सकते हैं, मतलब 0.05 से चालू करके हम 0.4 मिलीग्राम पर kg पर आवर तक इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ये जो 200 मिलीग्राम पर डे है ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों पेशेंट का जो डोज है हम उसके डायुरेटिक इफ़ेक्ट को देखते हुए फिर आगे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब हो रही है तो हम डोज कम कर सकते हैं, या फिर अगर पेशाब एडिक्वेट नहीं हो रही है तो डोज बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार हम ये जो डोज है ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो फ्यूरेसिमाइड है इसके यूजेस क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है ये हम देखेंगे। तो जब हम यूजेस की तरफ जाते हैं तो इसका जो मेन यूज़ है वो है कि कोई भी प्रकार का जो इडिमा है, कोई भी प्रकार का जो शरीर में फ्लूइड रिटेंशन के कारण इडिमा हुआ है वो हम ये ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब इडिमा का कारण आइदर कार्डियक भी हो सकता है, हिपेटिक भी हो सकता है या फिर रीनल भी हो सकता है, तो ये कोई भी प्रकार का इडिमा हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।
दूसरा इसका यूज है वो है एक्यूट पल्मोनरी इडिमा। जब भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक होता है तो ऐसे कंडीशन में एक्यूट पल्मोनरी इडिमा को मैनेज करने के लिए हम ये जो ड्रग है ये यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें ये ड्रग आईवी ही देना है क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तीसरा इसका जो यूज़ है वो है इन हाइपरटेंशन। जब भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाइपरटेंशन में हम कॉमनली दूसरा डायबिटिक यूज़ करते हैं जिन्हें हम थायाजाइड्स कहते हैं। ये ड्रग्स यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं लेकिन हम लूप डायरेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा इसका यूज़ है सेरेब्रल इडिमा। जो हमारा ब्रेन है उसकी जो सूजन है वहाँ पे भी हम ये ड्रग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम ज़्यादातर ऑस्मोटिक टाइप के जो ड्राई डायूरेटिक्स है जैसे मैनिटॉल है वो ज़्यादा हम प्रिफर करते हैं, लेकिन फ्यूरोसेमाइड भी यूज़ कर सकते हैं। पांचवा इसका जो यूज़ है वो है हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी की जो कुछ कंडीशंस है उसमें हाइपर कैल्शियम होता है, मतलब कैल्शियम की लेवल ब्लड में बढ़ जाती है, तो वो कंडीशन में हम फ्यूरोसेमाइड यूज़ करते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो ड्रग है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों का भी एब्सॉर्प्शन कम कर देता है, मतलब कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है इसका एक्सक्रीशन ये ड्रग बढ़ाता है। इसलिए जब भी हाइपर कैल्शियम होगा तो वहाँ पर भी हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये एक बहुत ही कॉमनली यूज प्रैक्टिस है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो उसके कारण ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड ना हो इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ हम डायरेटिक यानी फ्यूरोसेमाइड भी देते हैं। सातवां इसका जो यूज़ है वो है इन फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस। कुछ ऐसे पॉइजनिंग की कंडीशंस है जिसमें जो पॉइजन है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो ये जो पॉइजन है ये ज़्यादा से ज़्यादा हम यूरिन के थ्रू इसको एक्सक्रीट करवाए उसके लिए फिर हम सलाइन में ये जो ड्रग है ये डालते हैं और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन करवाता है ताकि जो पॉइजन है वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाए। इसे कहते हैं फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस और वहाँ पर हम ये ड्रग का उपयोग करते हैं। अब ये जो ड्रग है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है? तो इसका मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और उसमें भी जो मोस्ट कॉमन है वो है पोटेशियम हाइपोकैलेमिया। ये जो ड्रग है इसमें हाइपोकैलेमिया, वैसे तो कोई भी डायरेटिक में हाइपोकैलेमिया होता है और फ्यूरोसेमाइड में भी हाइपोकैलेमिया होता है, तो जब भी कोई भी पेशेंट डायरेटिक्स पे रहता है और खासकर फ्यूरोसेमाइड में रहता है तो उसकी पोटेशियम लेवल हमें मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों हाइपोकैलेमिया के साथ साथ हाइपोनेट्रेमिया भी पेशेंट को होता है, और पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया मतलब कि कैल्शियम भी कम होता है और हाइपोमैग्नीशियमिया भी हो सकता है। तो ये है इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर क्योंकि ये जो ड्रग है ये डायूरेसिस करता है, मतलब यूरिन में से ज़्यादा पानी निकल जाता है, इसके कारण पेशेंट को हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है, मतलब उसके शरीर में जो पानी की मात्रा है वो कम हो सकती है। और ये खासकर होता है गर्मियों के सीज़न में। गर्मियों के सीज़न में अगर पेशेंट ने पानी कम पिया या फिर वो बहुत ज़्यादा धूप में अगर इधर उधर घूमा और अगर ये साथ में उसको ड्रग भी शुरू हुए तो ऐसी कंडीशन में उसको हाइपोवोलेमिया हो सकता है। तीसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है हियरिंग लॉस। क्योंकि ये जो ड्रग है ये जो हमारा इनर ईयर है वहाँ पे भी इसका एक्शन होता है और वहाँ पे भी फ्लूइड इम्बैलेंस होने के कारण हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ये ड्रग अगर हमने बहुत दिन तक और बहुत हाई डोजेस में यूज़ किया तो खासकर तब हमें ये कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट दिखता है। फिर ये जो ड्रग है इससे एलर्जी भी हो सकती है। अभी ये जो फ्यूरोसेमाइड है ये एक्चुअली सल्फोनामाइड्स है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें सल्फोनामाइड है और हमें पता है कि सल्फोनामाइड या जो सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स है उनसे पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। और ऐसा अगर कोई पेशेंट है जिसे हिस्ट्री है सल्फोनामाइड ड्रग्स या सल्फर ड्रग्स की एलर्जी की तो उससे तो हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट में ये ड्रग के कारण एलर्जी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब ये जो ड्रग है इसका और एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है कि इससे हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपर यूरेसीमिया भी हो सकता है। जो भी पेशेंट डायबिटिक है या जो गाउट के पेशेंट है इसमें हमें खासकर इसके कारण ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गए इसके कुछ यूजेस और एडवर्स इफ़ेक्ट्स, और अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शंस देखते हैं।
तो इम्पॉर्टेंट जो इंटरेक्शन है उसमें आता है पहले डिगोक्सिन या फिर सल्फोनिल यूरियाज। डिगोक्सिन ये हार्ट फेलियर के लिए यूज़ होने वाला ड्रग है और सल्फोनिल यूरियाज जो है ये डायबिटीज़ के लिए यूज़ होने वाला ड्रग है। तो ये दोनों ड्रग्स के जो इंटरेक्शन जो है वो होते हैं हाइपोकैलेमिया के कारण। अगर पोटेशियम शरीर में कम हो गया तो डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी प्रेसिपिटेट हो सकती है और हाइपोकैलेमिया के कारण सल्फोनिल यूरियाज की जो एक्शन है वो कम हो सकती है। ये इसलिए हाइपोकैलेमिया के कारण ये जो दो ड्रग है इनके साथ फुरोसेमाइड का इंटरेक्शन ड्रग इंटरेक्शन होता है। दूसरा जो ड्रग है वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ये जो ड्रग है ये खुद एक ओटोटॉक्सिक ड्रग है, तो इसलिए अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ अगर हमने फ्यूरोसेमाइड दिया तो ओटोटॉक्सिसिटी यानी हियरिंग लॉस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन है वो है एनएसीआईडीज। ये जो एनएसीआईडीज ये जो ड्रग है ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका जो मेटाबॉलिज्म है किडनी में उसको डिस्टर्ब करते हैं और इसके कारण ये फ्यूरोसेमाइड का एक्शन भी डिस्टर्ब करते हैं। फ्यूरोसेमाइड की जो इफेक्टिवनेस है वो ये ड्रग कम करते हैं। चौथा इसका जो एक्शन है इंटरेक्शन है वो है प्रोबेनेसिड। प्रोबेनेसिड ये जो ड्रग है ये भी फ्यूरोसेमाइड की एक्शन कम करता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस है जो फ्यूरोसेमाइड ड्रग के साथ बाकी के ड्रग्स के होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको फ्यूरोसेमाइड या लैसिक्स ये जो ड्रग है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।